केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर के ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर आम आदमी पार्टी से वापस ली गई, उसके बाद से ही लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आज भी कई विधानसभाओं में एक साथ इस बात का विरोध किया गया और काले अध्यादेश का पुतला भी दहन किया गया। बुराड़ी विधानसभा में भी उसके तहत जो विरोध किया गया था, हमारे साथ में निगम पार्षद और आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं इस बारे में बातचीत करने के लिए। सर, क्या विरोध था, किस तरीके से किया था विरोध आपने और कितने लोग इसमें शामिल हुए? हमने सभी ने मोदी जी के जो काला अध्यादेश लाने की कोशिश है उसके खिलाफ हमने विरोध किया है, अपना विरोध जताया है। पूरी जनता हमारी सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे कई सौ की तादाद में लोग आए थे और हम सभी उसका विरोध करते हैं। रामलीला मैदान में भी हमने विरोध प्रदर्शन किया था, कई लाख की तादाद में वहाँ पे लोग आए। दिल्ली के हर गली से हर मोहल्ले से लोग वहाँ से निकल गए थे, सारे वोटर्स वहाँ पर पहुँचे थे और इसी तरीके से हम हर जगह विरोध अपना जताएंगे ताकि मोदी जी को ये काला अध्यादेश वापस लेना पड़े, दिल्ली के साथ नाइंसाफी ना करें और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना ना करें। जी, जिस तरीके से आज विरोध किया गया, केवल बुराड़ी नहीं कई विधानसभा में किया गया, क्या लगता है इसका कुछ असर होगा? क्या इस अध्यादेश को वापस लिया जाएगा और आपको पावर दोबारा मिलेगी? देखिए, सिर्फ दिल्ली की जनता नहीं, आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल जब दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ के भी लोग, जो वहाँ की सरकारें हैं वो हमारा साथ दे रही है। राज्यसभा में कांग्रेस को छोड़कर सभी लोग अभी तक अपनी सहमति हमें दे चुके हैं कि हाँ, ये संविधान के खिलाफ है और सभी लोग खड़े हैं, पूरा देश इसके खिलाफ खड़ा है। तो बिल्कुल, जब जनता सड़कों पे उतरेगी और जब जनता अपनी मांग रखेगी तो डेफिनेटली इनको इसको, ये जो इन्होंने काला अध्यादेश लाया है इसके खिलाफ जब जनता सड़कों पे उतरेगी तो होना ही है, बिल्कुल होना है। ये सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना है ना, आप सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया 8 सालों में किसी निर्णय पे पहुंचे कि ये संघवाद के खिलाफ है और 8 सालों को इन्होंने सिर्फ 8 दिनों में पलट दिया। इससे आप देख सकते हैं कि देश एक अघोषित इमरजेंसी की तरफ चल पड़ा है। इंदिरा गांधी के टाइम पे कांग्रेस ने एक इमरजेंसी लागू की थी, ये अघोषित इमरजेंसी है। तो जनता समझ रही है और जनता इनको सही मजा चखाएगी। कितना आक्रोश है आज, कितने लोग इकट्ठा हुए, इसका असर कितना होगा आप लोगों में भी, इसका आक्रोश था और आज पुतला भी जलाया गया? बहुत लोग इकट्ठा हुए थे, बहुत सैकड़ों आदमी इकट्ठा हुए थे। आक्रोश इस बात का है कि मोदी जी ने ये बहुत गलत किया कि हमारे केजरीवाल जी को सर सब कुछ देने के बाद एलजी को आगे करके सारे अध्यादेश ला के एलजी के केजरीवाल के खिलाफ बगावत की है। उनको ये देखा नहीं जा रहा, हम लोगों की कामयाबी नहीं देखी जा रही, जो मोहल्ला क्लिनिक स्कूल और तरह तरह के योजनाएं काम करवाई हैं केजरीवाल जी एलजी को देखा नहीं जा रहा है। तो लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और काला कानून, जो काला अध्यादेश लाया गया उसका पुतला भी आज बुराड़ी इलाके में जलाया गया। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसकी अवहेलना करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की पावर को वापस लिया अध्यादेश ला करके, और इसका विरोध केवल बुराड़ी में ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में किया जा रहा है और दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों में भी अब जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के, वो इस विरोध को लेकर के जा रहे हैं। देखना ये होगा कि इस तरीके के विरोध का जो केंद्र सरकार है उस पर क्या कुछ असर पड़ता है और क्या आम आदमी पार्टी के पास दोबारा से ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर आती है या नहीं। हर्षित मिश्रा, दिल्ली, तक।